प्रिय भाई एवं बहन, इतिहास में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पाठ का अध्ययन हम लोग पुनः करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने चार बिंदुओं का अध्ययन किया है, चार वीडियो आप लोगों को मिला होगा। इसमें हम लोग इसके अन्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं यूरोप के राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति, और दूसरा कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। ध्यान दीजिएगा, यूरोप के राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति जो थी फ्रांसीसी क्रांति के बाद और उसके पहले, वो इस प्रकार थी। जैसे 18वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप में एकीकृत राष्ट्र नहीं थे, वे विभिन्न छोटे छोटे इकाइयों में बंटे थे, जैसे राजशाही, डची, कैंटन इत्यादि। मध्य और पूर्वी यूरोप निरंकुश राजशाही के नियंत्रण में था। इन राजतंत्रों में रहने वाले लोगों की अलग-अलग भाषा एवं प्रजाति थी। चूंकि इनकी संस्कृति और भाषा समान नहीं थी, इसीलिए इनका इनकी सामुदायिक पहचान भी नहीं थी। अब एक उदाहरण आपको देते हैं। जैसे ऑस्ट्रिया और हंगरी हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंतर्गत था। साम्राज्य में अलग-अलग क्षेत्र और प्रजाति के लोग निवास करते थे। इस साम्राज्य में टिरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटनलैंड और बोहेमिया सम्मिलित थे। यहाँ के कुलीन वर्ग के लोग जर्मन भाषी थे। लोम्बार्डी और वेनेसिया में भी इसी साम्राज्य वेनेसिया भी इसी साम्राज्य में थे, परंतु वहाँ इतालवी भाषा बोली जाती थी। हंगरी की आधी आबादी मैग्यार भाषा बोलती थी, शेष अन्य प्रकार की बोलियां बोलते थे। अब एक और उदाहरण देते हैं। इसी साम्राज्य में गेलिसिया भी था। यहाँ का कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा में अधीनस्थ के रूप में बहुत बड़ा कृषक समुदाय भी रहता था। इनमें से प्रमुख थे उत्तर में बोहेमियाई तथा स्लोवाक, कार्नियोला में स्लोवेन्स, दक्षिण में क्रोएट और पूरब में ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले राउमन। ये सब अलग अलग जातीय समूह के लोग थे, और इस प्रकार इन जन समूहों को जोड़कर हैब्सबर्ग साम्राज्य बना था। इन विभिन्न वर्गों को सिर्फ सम्राट के प्रति निष्ठा ही एक सूत्र में बांधी हुई थी, अन्यथा भाषा और प्रजाति के आधार पर सभी एक दूसरे से अलग थे। अब दूसरा बिंदु जिसको हम लोगों को पढ़ना है, कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। ध्यान दीजिएगा, कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग, इसके बारे में हम लोग अभी फिर पढ़ेंगे। कुलीन वर्गों के बारे में आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। फ्रेंच पूरा फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था, और उसमें पादरी वर्ग था, कुलीन वर्ग था, और 33 स्टेट में बाकी सब लोग रहने वाले थे। कुलीन वर्ग विशेष सुविधा संपन्न लोग थे, ये सभी आप लोगों ने पढ़ा होगा।
यूरोप में यह वर्ग सामाजिक और राजनीतिक रूप से अत्यंत प्रभावशाली था। इनकी अलग जीवन शैली थी। इनके परिवार वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे। इनके पास बड़ी बड़ी जागीरें होती थी। शहरों में ये बड़ी बड़ी हवेलियों के मालिक होते थे। ये फ्रेंच भाषा बोलते थे। ग्रामीण इलाकों में कृषि कराते थे। 18वीं और 19वीं शताब्दी तक इन लोगों की स्थिति वैसे नहीं रही और इसमें परिवर्तन हुआ। परिवर्तन कैसे हुआ कि 18वीं शताब्दी के लगभग मध्य में, आप पढ़े होइएगा, औद्योगिक क्रांति हुआ। इसमें अब हाथों का काम मशीनों के द्वारा होने लगे। औद्योगिक क्रांति होने से एक नए सामाजिक वर्गों का जन्म हुआ, नया सामाजिक वर्ग उदय हुआ। यह वर्ग मध्यम वर्ग था। जिस समय यूरोप में औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ, उसका प्रभाव व्यापार वाणिज्य पर पड़ा। औद्योगिक उत्पादन, नगरों के विकास, बाजारों के विस्तार से व्यापारी वर्ग का प्रभाव बढ़ा। मध्य वर्ग का दायरा बहुत बड़ा था। इसमें उद्योगपति, पूंजीपति, व्यापारी और नौकरी पेशा लोग आते थे। शिक्षित होने के कारण इस वर्ग में राष्ट्रवादी भावना का विकास अधिक हुआ। फ्रांस की क्रांति और आगे की क्रांतियों में भी मध्य वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और मध्य वर्ग ने क्या किया कि यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाओं के विकास में प्रबल योगदान दिया। अब आप लोगों के लिए कुछ गृह कार्य भी है, जिसको आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। पहला, मध्य वर्ग का उदय कैसे हुआ। दूसरा, यूरोप की सामाजिक स्थिति राष्ट्रवाद के विकास में कैसे बाधक थी, वर्णन करें।